So well done, Team India. What an absolute beast he is. He's not a normal person. He is a beast. He is a true beast. वो जिस तरह वो बंदा खेलता है, वो एक next level के cricket खेल रहा है. Asian batters तो छोड़ें, दुनिया के batters तो उसके सामने नहीं आ रहे. आज वो दुनिया का number one खिलाड़ी है. सूर्या कुमार यादव. जी हाँ. 360 AB de Villiers था और अब ये है भाई 360. बिल्कुल. अभी वो आईसीसी ने भी आपने ट्विटर हैंडल सोशल मीडिया हैंडल पे डाला है और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी वो शॉट डाली है जो इसने नगारवा को ऑफ साइड पे बाहर पे जाके उसने लो फुल टॉस डाली है उसको जो इसने फाइन लेग के ऊपर अंदर लंबा छक्का मारा है हालांकि इतना ही बड़ी बाउंड्री है वहां से जो छक्का मारा है जनाब वो पूरी वायरल हो गई है सोशल मीडिया पे हर कोई बात कर रहा है ये शॉट कैसे लगी है भाई. इट इज नॉट अबाउट कि आपने 2022 के अंदर हजार रन लगा दिए इट इज ऑल अबाउट कि वो हजार रन आपने लगाए कैसे आपने किन ऑपोजिशन के खिलाफ लगाए इस ऑपोजिशन में ऑस्ट्रेलिया भी है साउथ अफ्रीका भी है इंग्लैंड भी है 1002 रन बनाने वाले सूर्या कुमार यादव 2022 में 183 का स्ट्राइक रेट तो भाई स्ट्रगल आपकी जो होती है ना वो बता रही हो तो ऐसा थोड़ी होता है कि मैंने पीएसएल के एक मैच में परफॉर्म कर दिया मैंने फर्स्ट क्लास कोई खेला नहीं चार चार साल से जो बच्चा परफॉर्म कर रहे थे T20 के अंदर उनको उन पे लानत भेज दी हमने हारिस को उठाया हारिस को डाला तीन दफा इस्तेमाल किया वो किसी काम ना आया चौथी दफा में उसने रन कर दिया एक भाई तालियां बजाओ कभी आईसीसी रैंकिंग का जो नंबर वन रैंकिंग जो बैट्समैन है वो ही है जो होना चाहिए था ही इज वर्दी अभी 244 के स्ट्राइक रेट से खेल के गया व्हाट एन एब्सोल्यूट बीस्ट ही इज नॉट अ नॉर्मल पर्सन ही इज अ बीस्ट He is a true beast. वो जिस तरह वो बंदा खेलता है वो एक नेक्स्ट लेवल की क्रिकेट खेल रहा है एशियन बैटर्स तो छोड़ें दुनिया के बैटर्स तो उसके सामने नहीं आ रहे इट इज नॉट अबाउट कि आपने 2022 के अंदर हजार रन लगा दिए इट इज ऑल अबाउट कि वो हजार रन आपने लगाए कैसे आपने किन ऑपोजिशन के खिलाफ लगाए इस ऑपोजिशन में ऑस्ट्रेलिया भी है साउथ अफ्रीका भी है इंग्लैंड भी है 1002 रन बनाने वाले सूर्या कुमार यादव 2022 में 183 का स्ट्राइक रेटिंग के साथ और भी प्लेयर है मोहम्मद रिजवान है विराट कोहली है पतम निसंका है सिकंदर रजा है जो टॉप फाइव के साथ है लेकिन स्ट्राइक रेट जमीन और आसमान का फर्क है इनके करीब करीब स्ट्राइक रेट अगर कोई आता है वो सिर्फ सिकंदर आजाद है 151 लेकिन हजार रन कर देना और स्ट्राइक रेट कर देना सिर्फ चीज नहीं होती है सबसे मेन पॉइंट होता है कंसिस्टेंसी जिस तरह सूर्या कुमार यादव लेके इंडिया को आगे बढ़े हैं सो वेल डन टीम इंडिया सूर्या कुमार यादव 360 एबी डिविलियर्स था और अब ये है भाई 360 अभी वो आईसीसी ने भी आपने ट्विटर हैंडल सोशल मीडिया हैंडल पे डाला है और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी वो शॉट डाली है जो इसने नगारवा को ऑफ साइड पे बाहर पे जाके उसने लो फुल टॉस डाली है उसको जो इसने फाइन लेग के ऊपर अंदर लंबा छक्का मारा है हालांकि इतना ही बड़ी बाउंड्री है वहां से जो छक्का मारा है जनाब वो पूरी वायरल हो गई है सोशल मीडिया पे हर कोई बात कर रहा है ये शॉट कैसे लगी है भाई तो वो सूर्या कुमार यादव की जो शॉट्स है वो वाकई बड़ी लाजवाब है 360 ये एबी डिविलियर्स इस तरह खेला करता था ऑफ पे जाके ऑफ की गेंद को लेग साइड पे और वो जाके ऑडियंस में गिरती थी बिल्कुल वैसे ही सूर्या कुमार यादव ने बिल्कुल लो होके ऑफ साइड पे जाके लो फुल टॉस को फाइन लेग पे बाहर बाउंड्रीज गए काफी अंदर जाके छक्का गिरा ही इज रियली गुड प्रिंस एंड जेंटी साहब हम तो पिछली वीडियो में तारीफ कर चुके हैं कि अभी आईसीसी रैंकिंग का जो नंबर वन रैंकिंग जो बैट्समैन है वो ही है जो होना चाहिए था ही इज वर्दी अभी 244 के स्ट्राइक रेट से खेल के गया 244 और ये नंबर चार पे बैटिंग करता है अनबिलीवेबल किस्म की हिटिंग और कंसिस्टेंसी खाना तो डिनर रिजवान साहब डिसाइड करेंगे और जयकांत शिकरे साहब जो आप कहेंगे खा लेंगे कोई ऐसी बात नहीं है खाएंगे साहब का मैसेज आप ले लें तेज हीर साहब लिखा इन्होंने लिखा भी करें I am very happy for both our country. Also, both of you make sure both play good cricket. Haris ne runs kar diya to Haris saab ko apne liye khelta nazar aaya. Acha mujhe bataye 49-45 इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ कहां पे पहुंचा दिया? अपने लिए खेला ना? नहीं विराट अपने लिए खेला. आप हारिस अपने लिए खेला. पहला मैच एक बंदा एक वर्ल्ड कप का खेल रहा है वो परफॉर्म कर रहा है. आपको आप सुन लीजिए. अच्छा सुन लीजिए मैं आपको बता रहा हूं ना 2016-17 के अंदर अभी अभी उसकी बेचारे की वीडियो आई है सूर्या कुमार यादव की तो वो कह रहे हैं जब 17 में मेरी शादी हुई तो मेरे पार्टनर ने कहा कि तू 8 साल से क्रिकेट खेल रहा है सुबह जाता है रात में आता है तेरा नाम है ना कुछ है तू जानता कोई नहीं है तो कह रहा है उसके बाद मैंने अपने न्यूट्रिशनिस्ट और मैंने अपने कोच और मैनेजमेंट के जो दीगर लोग हैं उनके साथ मिलकर अपना एक प्लान किया
अपनी क्रिकेट को फोकस किया, दो साल में नाम बनाया, लास्ट ईयर वो T20 में डेब्यू करके आया, आज वो दुनिया का नंबर वन खिलाड़ी है। तो भाई स्ट्रगल आपकी जो होती है ना वो बता रही हो, तो ऐसा थोड़ी होता है कि मैंने PSL के एक मैच में परफॉर्म कर दिया, मैंने फर्स्ट क्लास कोई खेला नहीं, चार चार साल से जो बच्चा परफॉर्म कर रहे थे T20 के अंदर उनको उन पे लानत भेज दी, हमने हारिस को उठाया, हारिस को डाला, तीन दफा इस्तेमाल किया, वो किसी काम ना आया, चौथी दफा में उसने रन कर दिया, इसलिए भाई तालियां बजाओ। नहीं नहीं, मेरे लिए तालियां नहीं है भाई उसके लिए, मेरे लिए तालियां उसी अहल बच्चे के लिए होंगी जो डोमेस्टिक में चार साल लगा कर आया, जिसने अपने आपको धूप में काला किया, जो चक्कर लगाता रहा कि मैं प्लेइंग 11 में कब आऊंगा, चार साल डोमेस्टिक में लगा, उसके बाद आगे वो इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म करेगा तो उसके लिए तालियां बजाऊंगा मैं। किसी के घर से बच्चा उठाकर आप लाओ, उसको खिलाओ, उसको कॉन्फिडेंस दो और बोलो कि जाओ पाकिस्तान के लिए खेलो, छह मैच में फेल हो जाए और उसके बाद आगे वो एक मैच में परफॉर्म करे, आप मुझसे तवक्को करो मैं तालियां बजाऊंगा। ये शान महसूद जिसको आप 2016 से पाल रहे हो, आप ये बताओ तीसरा कमबैक है उसका, अभी वो 50 मारने का, मैं तालियां बजाऊं? अबे भाई इसकी अगर इतनी जुगाड़ है कि तीन तीन दफा कमबैक कर लेता है और हर फॉर्मेट में 2-3 महीने में तैयार होकर आ जाता है, तो ऐसे तो क्रिकेट चल नहीं रही चलेगा। 2-3 साल में आप लोग जब दो साल में आपके लड़के ऊपर बैठे हुए आपकी टॉप ऑर्डर फेल है, आप मुझे बताइए आपकी जब टॉप ऑर्डर से रन ही नहीं आ रहे तो आपके रन कहां पे आ रहे T20 वर्ल्ड कप में? नीचे जा रहे, नीचे कॉन्फिडेंस है भाई लड़कों का। अच्छा मैं क्या बात कर रहे हैं, अभी आप बताइए, छोटी छोटी खुशियां नहीं चाहिए, अगर हम मुस्तकिल मिजाजी से खुशियां चाहिए भाई, अगर हम हारिस का नाम हरि कुमार रख दें फिर तो आप तालियां बजा देंगे? नहीं तो भाई हमने हमारी हरि कुमार परफॉर्म करेगा तो तालियां बजेगी भाई। क्या कहते हैं आप? देखिए आप ये थोड़ा सा इफी भाई नाजायज हो रहे हैं, थोड़ा अनफेयर हो रहे हैं। नाजायज क्या यार, मुझे सुन लिया आपने, चल लिया हरिस का कर लिया क्या है तुम्हें सर? मुझे आपने बोले आप दुखते सहवाग ने सिर्फ दुप्पल तुक्के। दूसरी बात और फिर बताना, आप भी तालियां बजाने के लिए बोल रहे हैं, सहवाग ने तारीफ कर दी हरिस की, अबे तो भाई वो कर दे मैं क्या करूं यार, मैं क्या सहवाग के लिए तालियां बजाऊं उसे तारीफ कर दी? अब आपने बोले अब हम भी बोल रहे हैं, अब आपने बोले हम भी बोल रहे हैं। देखिए भाई इन्होंने सारी बात की, वो अनफॉर्चुनेटली परफॉर्म नहीं कर पाया, हमारा बंदा परफॉर्म नहीं करे इनको तो चुप जाता है, ये कहती वो अनफॉर्चुनेटली। यार अली मुझे एक बात बताएं, मैं ये कह रहा हूँ कि तारीफ के काबिल थे, देखें पीछे के चार साल की कहाँ पे हैं ये बताएं। इफी भाई हम सवाल नहीं पूछ रहे, कैसे आया सर? अगर आप एक बात कह रहा हूँ, देखें हम नहीं इस वक्त कह रहे कि हारिस आया कैसे, हम सिर्फ एक पर्टिकुलर,